आपकी मसरूफियत घर पे घर वालों के साथ ज़्यादा होती है या दोस्तों के साथ ज़्यादा होती है? जो मॉर्निंग होती है वो तो ऑब्वियसली घर वालों के साथ ही होती है, उसके बाद हम दोस्त वगैरह क्रिकेट, मैं क्रिकेट का बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, तो फिर हम लोग ये एक ऐसा दिन मिलता है कि हम सब इतने सारे इकट्ठे हो रहे हैं तो हम थोड़ा फ़न करें, फिर हम मिल के सारे दोस्त बहुत सारी क्रिकेट खेलते हैं। क्रिकेट खेलते हैं जी जी। काशिफ भाई एक मरतबा मुझे बोलते हैं मैं बाबर आजम बन सकता हूँ, मैं क्या थोड़ी सीटों वाला वजीर आजम बन सकता, तुम बाबर आजम क्यों नहीं बन हर देर सब कुछ कोई ना कोई बनता है। ऐसे ही ऐसे ही मैंने फिर रहे जी आप हमें नजर आ रहा है। आज तो ईद वैसे भी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि मेरे बड़े भाई राणा जीम साहब बैठे हैं, तो ये हमारी जिन जान है, हमारा जी तो फैमिली का हिस्सा है। थैंक यू जी। तो अल्लाह इनको सलामत रखे। तो तारीफ शुरू की थी उन्होंने, टेंशन पैनी शुरू। नहीं नहीं नहीं, मैं तुहानू पता ही नहीं, सीधा आई जी साहब का फोन आना मैंने, अब फड़ लो जी क्या सर उन्होंने राणा सानू शुक्र की थी। तो स्टार्ट में उन्होंने कहा कि हमें सांस लेने का भी टैक्स पड़ रहा है और ये तो ज्यादा लेंदे ने, इन्होंने ज्यादा पैदा ने राणा साहब तो सह लेंदे और इंज लगता कुआबा वाला पखा चल रहा फोन आ ही ना जाए ज्यादा हो गया ब्रेक भी हो गया। देखिए माशाल्लाह सोफे पे बैठे हैं, पूरा सोफा फिट है माशाल्लाह। आप किसी अमीर घर में जाए ना तो सबसे पहले कि इस तरह की बड़ी फोटो लगी होती कि 1965 से पहले दादाजी तो राणा साहब वैसे आपकी ईद कैसे गुजरती है ये बताएं, चलो हम तो बता ही रहे हैं। देखें जी मेरी ईद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मदीना शरीफ में गुजरती है माशाल्लाह, और मैं वहीं पर ईद की नमाज़ पढ़ता हूँ और उसके बाद ईदी रहता हूँ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से माशाल्लाह, और इस उम्मत के लिए दुआ करते हैं, और ये 26 साल से मेरा ये सिलसिला जारी माशाल्लाह। तुसी माशाल्लाह जिस तरह दी गल्लां कर रहे वड्डे होके मुफ्ती कवि बनोगे अल्लाह माफ करे ही बात दुआ ना दियो। मेरा ख्याल है जो भी पब्लिक फिगर होते हैं ना, जैसे आर्टिस्ट हैं या राणा साहब हैं या आप हैं या जितने भी लोग शोबिज से रिलेटेड हैं या कोई भी ऐसी किसी फील्ड से हैं, उनको उनका सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम होता है कि जो लोगों के लिए छुट्टी के दिन होते हैं वो उन्हीं के ड्यूटी, वो उनके ड्यूटी के दिन होते हैं। तो हमारे लिए भी सबसे यही है कि हम लोग जो हैं जिस दिन लोग रेस्ट कर रहे होते हैं या जिस दिन लोग खुशियाँ मना रहे होते हैं या वही हमारे काम के दिन है। ऐसे ही और जब लोग बिजी होते हैं वो हमारे जो है वो फुर्सत के लम्हात होते हैं। हम लोग कहते हैं कि ज़्यादा अच्छा है कि लोग जो हैं वो आए और इसी तरह हमारे पाकिस्तान में खुशियाँ हों और लोगों को काम मिले, क्योंकि हमेशा काम ही तब मिलता है जब लोग हैप्पी होते हैं, जब पुरसकून होते हैं और मुल्क में अमन व अमान होता है तो तब भी काम मिलता है, अदरवाइज नहीं होता। अच्छा मेरा अपने मैंने चूँकि आपका पहले गाने से लेकर आज तक मेरा एक आपके साथ एक हम एक फैमिली है, बिल्कुल फैमिली है, कितना फर्क देखा सुनने वालों में, सांस में, रंग में, सोच में, दोनों तीनों चीजों में कितना फर्क है उस वक्त और अब? अब मलका आप नूर जहां को गाती थी स्टार्ट किया, बिल्कुल ऐसे। अब देखिए अब जो है फर्क तो पड़ा है, ये तो हम नहीं कह सकते कि नहीं फर्क पड़ा। पहले लोग गाना सुनते थे, अब लोग देखते भी हैं और सनते भी हैं। जितनी आप ऊट पटांग हरकतें करेंगे, जितना आप ऊट पटांग गाएंगे, उतना ही आपको जो है वो फेम मिलेगा। पहले ये होता था कि मतलब मैं एक ऐसी सिंगर हूँ, ऐसी ब्लेस्ड सिंगर हूँ कि मेरे गाने जो हैं वो वीडियो नहीं थे, वैसे ही हिट हुए, वैसे ही विदाउट वीडियो। मेरा चूड़ी कस दी, गर्ल्स उन ढोलना, मैं नहीं बोल दी, या और बस वे ढोला, या जितने भी गाने थे बाद में उनके वीडियो बने हैं, पहले गाने जो हैं वो हिट हुए। तो अब जो है वो ज़रा मेयार जो है वो डिफरेंट हो गया। अब कैसर भाई आपने वो दौर देखा है कि जब सिर्फ थिएटर में फैमिलीज आया करती थी और वहीं पे परफॉर्म करके हिस्से मजाक का वहाँ से आगाज़ हुआ करता था, फिर एक वक्त वो भी आया जब फैमिलीज माइनस होना शुरू हो गई, बिल्कुल सिर्फ ओबाश लोग वहाँ पे जाया करते थे, ये वक्त आया ये नहीं है अभी भी है। फिर आपने वो वक्त भी देखा कि जब वो लोग स्क्रीन पर आए और थोड़ा सा निखरे और वो पार्लिमानी अल्फाज में बातें होना शुरू हुई, तो उसके बाद फिर वही लोग मुख्तलिफ फिल्म्स के अंदर कास्ट किए जाने लगे। अब ये पूरा दौर जो है उसमें से सुनहरी दौर किसे समझते हैं, और वो जो बीच में जवाल पजीरी देखने में आई उसमें कसूर लोगों का था, उनका हिस्से मजा मरा है, या उनके अंदर वो बसीरत नहीं रही, या फिर कुछ अपनी भी गलतियाँ हैं कि जिसकी वजह से इस महज तक? सर देखने वालों की तो गलती हो ही नहीं सकती ना, ये गलतियाँ अपनी होती हैं। जैसे हमारा स्क्रिप्ट मजबूत नहीं था, हमारी एक्टिंग मजबूत नहीं थी, हमने क्या कर लिया था कि हम काम को छोड़ के ना बस
तो लगे हैं बस ये लाफ्टर आना चाहिए, क्लैप आनी चाहिए, ये वो बला बला इस तरह की चीज़ों में ना, तो काम में फिर सबसे प्रॉब्लम क्या हुई, हम जो थिएटर के कुछ लोग नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे मेरे समेत जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ठीक है ना सर, अवेयरनेस नहीं थी काम की, जो पढ़े लिखे थे वो सब छोड़ के चले गए थे। मैं सिर्फ इस चीज़ में, जैसे नसीमिकी साहब हैं उनको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है काम की, तो वो काम करना चाहते थे, करवाना उनको आता है, लेकिन उनको मान ही नहीं रहे बंदे उनके साथ वाले कि यार ये करवाना चाहता, वो कहते नहीं अपना नाम बनाना चाह रहा ये वो बला 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 बला। अभी तक हमारी कोई एसोसिएशन इसलिए फनकारों की नहीं बनी थी कि फनकारों ने अगर कोशिश की है ना तो आपस में वो बोल रहे हैं कि अपनी दिहाड़ी लाने लगे ने, ये अपनी दिहाड़ी लाने वास्ते या अपना करवा, तो बस ये कि ऑडियंस को हम जो दिखाएंगे ना सर, जैसे वो ही फनकार मैं ज़िंदगी में एक बात बड़े कहते हैं कि फनकार कभी फ्लॉप नहीं होता, आइडियाज़ फ्लॉप होते हैं। वाह, वेरी नाइस। आइडिया जो होता ना, वो आइडिया ठीक नहीं था हमारा कि हम वल्गर बातें भी कर रहे हैं, हम जूम है नहीं बातें कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, फिर हमने कोशिश की कि डांस के बगैर ड्रामा किया जाए, तो 60 बंदे नहीं आते थे, 50 बंदे नहीं आते थे। तो अब टीवी स्क्रीन पे बैठे हैं तो कितने मद्दा हैं आपके? सर ये देखें ना, ये आइडिया दौर जो इस वक्त हमारा है, मैं ये कहूँगा थिएटर जो था वो आइडियल था जब मस्ताना साहब, सुहेल अहमद साहब, कवि साहब या जितने भी हमारे अमानुल्लाह साहब, जितने भी हमारे बड़े थे, वो काम करते थे जब गाना नहीं होता था। जब से थिएटर में गाना आ गया ना सर, ड्रामा ख़त्म हो गया। फिर वो जैसे हमारा जी, इनके गाने का अपना एक मेयार है, किसी के गाने का अपना कुछ मेयार है, अपना 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 अपना। अब जहाँ हमारा जी है ना, सब फैमिलीज़ को पता है कि यार यहाँ फैमिली गाना होगा, ठीक है, लोग इंटरटेन करेंगे, कोई ऐसे ही गाने में भी कोई जूम है नहीं या वल्गर कोई बात नहीं होगी, ठीक है ना सर। तो अपना अपना एक मेयार था, वो सब छोड़ के चले गए। जैसे सुहेल अहमद साहब चले गए, सुहेल अहमद साहब की बड़ी ज़रूरत थी थिएटर को, लेकिन वो उन्होंने भी सोचा कि मैं क्या करूँ, उन्होंने गाने के बगैर ड्रामा किया, ऑडियंस कम होगी, तो वो थिएटर चले गए। लेकिन अब हम कोशिश कर रहे हैं सब मिलके, जैसे विक्की साहब हैं, नासिर जुनियोटी साहब, ठाकुर साहब हैं, या जितने भी मैं नाम लूँ सब के, तो वो कम पड़ जाएंगे नाम भी, तो कोशिश कर रहे हैं। अब ड्रामा बेहतरी की तरफ आ चुका है, जू मैंने जितनी भी बातें थी, वल्गर गाने थे, वो हमने तकरीबन बड़ी कोशिश की है, 90% तकरीबन हमारा ड्रामा बेहतर हो चुका है, फैमिलीज भी वापस आना शुरू हो गई हैं, और इंशाल्लाह अब ये कोशिश कर रहे हैं हम। सर आपको सुन रहे हैं ना? हाँ हाँ, तो पूरी दुनिया देख रही है, सुन रही है, तो वो भी सुन रहे हैं जिन्होंने आगे चैनल लाने हैं। बिल्कुल, तो बहुत जल्द आपको इंटरटेनमेंट चैनल और इंटरटेनमेंट की ही दुनिया नजर आएगी, क्योंकि लोग अब थक गए हैं। बिल्कुल थक गए, अब तो थक गए हैं। आप एंकर्स की बात जो है ना, वो एंकर्स भी तो अब आप एंकर को देखें, वो एंकर जो है वो टीवी पे इतनी 24 घंटे एंकरी करके बाद में सोशल मीडिया पे भी एंकरी कर रहे होते हैं, मतलब ये नहीं, ये आप आपको तो नहीं कहने की, ये रासा आपको तो नहीं कह रहे, मैं कभी नहीं किया, मैं इनको नहीं कह रही, मैं वैसे कह रही हूँ कि कोई मौका छोड़ ही नहीं रहे एक बात को 200 बंदा डिस्कस करता है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, 500 बंदा अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से उस बात को जो है रब वो उस तरह रब आपको चमकाए, आपको सतरंगी जिंदगी अता करे, दूसरों की दुकानदारी बंद ना करे। नहीं नहीं नहीं, मैं वैसे कर अच्छा ये दुकानदारी है कि नहीं ताटे दे, नहीं नहीं दुकानदारी जो है, इंसान किसी की दुकानदारी बंद नहीं करा सकता। और लेकिन आप पे मुझे खुशी इस चीज की है कि जितने भी होस्ट एंकर, किसी के पास चड़ेल है, किसी के पास कबूतर है, किसी के पास अब थोड़े से जानवर रह गए, वो भी आ जाएंगे जो खबरें लेके आता है।